तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज TCS कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे TCS का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें TCS के अंदर ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली टारगेट्स यहाँ पर जो है वो क्या होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, TCS की अगर हम यहाँ पर बात करें तो TCS का अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट से मतलब मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो हमें धीरे धीरे करके कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर एक काउंटर मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी को क्रिएट नहीं कर रहा, कोई बड़े मूव्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। जो भी आ रही है वो 1% के अराउंड की आइदर मैक्सिमम तेज़ी या तो 1% के अराउंड की मैक्स टू मैक्स गिरावट, उससे ज़्यादा का कोई प्राइस एक्शन नहीं है। वो आया था वो लास्ट हमें 8 to 10 days पहले ही देखने को मिला था। तो अब नेक्स्ट वीक के लेवल्स क्या कहते हैं, तो ओवरऑल आईटी सेक्टर एक्सेंचर के रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर जो है वो जाने के चांसेस रखता है। सो TCS का रेजिस्टेंस होगा 4400, वो ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी एट 4600, सपोर्ट होगा 4200, अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट द लेवल्स ऑफ 4000 ऑन द डाउन साइड।